तो दोस्तों गिस्कोल एलॉयज लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा समझने के लिए। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए तो 3 करोड़ के आसपास का, 3.2 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू 6.6 करोड़ के आसपास था, जबकि बढ़ के इस क्वार्टर में देखें तो 15 करोड़ के आसपास आ गया है। साल दर साल कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली आप 250% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, जबकि क्वार्टर बात करें तो 500% के आसपास का जंप है। तो ओवरऑल रेवेन्यू के मामले में बहुत अच्छे नंबर दिए कंपनी ने इस क्वार्टर में, क्योंकि साल दर साल क्वार्टर करते दोनों में मैसिव जंप आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं, क्या खर्चे किए हैं कंपनी ने। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 5.3 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 8.3 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थोड़े ज्यादा है, 14 करोड़ 69 लाख, अप्रोक्सीमेटली 14.7 करोड़ के आसपास कंपनी ने इस क्वार्टर में खर्चे किए हैं। तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 98 लाख, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। पिछले साल की बात करें तो मात्र 7 लाख का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 2.2 करोड़ हो गया। जी हाँ, मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर अप्रोक्सीमेटली 250% के आसपास जंप है, लेकिन जब प्रॉफिट के अंदर जाते हैं तो बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला है। 7 लाख के मुकाबले 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कंपनी ने इस क्वार्टर में शो किया है, जो कि बहुत बड़ी नंबर्स है। क्वार्टर बात करें तो वहां भी अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं कि 200% डबल हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट, 1 करोड़ के मुकाबले 2 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में हो चुका है। तो ओवरऑल अगर पूछेंगे आप मुझसे कि नंबर्स कैसे हैं, तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत शानदार है। ईपीएस की बात करें तो 0 रुपये का ईपीएस हुआ करता था पिछले साल, जो कि बढ़ के इस क्वार्टर में 14 पैसे के आसपास हो चुका है। तो ईपीएस के अंदर भी 14 गुना के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। तो ओवरऑल कहने का मतलब नंबर बहुत शानदार है, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू बढ़ा के प्रॉफिट बढ़ाया है, जो कि एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव फैक्टर है इस शेयर के लिए। हो सकता है कि आने वाले समय में एक अच्छी खासी तेजी इस शेयर के अंदर बनी रह सकती है, क्योंकि नंबर्स बहुत शानदार दिए हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।